आज आपण आर्यांचा बर्थडे इथे साजरा करूया व्यवस्थित चांगल्या रीतीने आणि आम्ही इथे चार ते पाच वर्षापासून आम्ही इथे साजरा करत आहोत. या वर्षी पण चांगला साजरा करूया आणि त्याला सगळ्यांनी आशीर्वाद द्यावा. आणि बोला मॅडम, दोन शब्द बोला नाही चालेल. आमचा माईक चांगला वाटला की आर्यांचा आपण बर्थडे साजरा करतोय आणि या लहान मुलांसोबत आपण साजरा करूया आणि सगळ्यांनी सोबत मिळून करूया. मी आलेल्या पाहुण्यांना सॉरी, पुन्हा आपल्या राष्ट्रभाषेमध्ये तो आयोगा तो दिवस निवेदन करना चाहता हूँ एक कि आपके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति जो तीन चार दिन से बिल्कुल बेसहारा घूम रहा है, इसकी जानकारी आप मराठा लाइफ फाउंडेशन को दें. और दो चीज़ें कंप्लीट करनी है उसके जो जरूरत है कागजात के तौर पर. एक, जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके के पुलिस स्टेशन का लेटर और साथ में कोविड की जांच. ये दो चीज़ें लेके आप अगर यहाँ तक ले आ सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी आपकी. अगर नहीं आ सकते तो सर के नंबर हैं, उस नंबर पर फ़ोन कीजिए, हमारा सेवा दल जाएगा और उस व्यक्ति को यहाँ तक ले आएगा. और ये आपको यकीन दिलाते हैं हम, हमारे आए हुए व्यक्ति हमारा एक दो या दस दिन का साथ नहीं, जब तक उसके घर परिवार से या आने वाले जीवन में उसका कोई भी नहीं आता है तो उसके जीवन की आखिरी सांस तक मराठा लाइफ फाउंडेशन उसका साथ देगा. ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ. कई ऐसी कहानियां हैं, कई ऐसे लोग हैं, 188 लोग पुलिस द्वारा दिए गए, 95% पुलिस द्वारा दिए गए गतिमन मतिमन रास्तों पर भटकने वाले. इनमें से अब तक पिछले 16 वर्षों में 550 लोग अपने घर पर जा चुके हैं, 29 कन्यादान सर और आई के हाथों से. साथ ही यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र मराठा लाइफ ड्यू एडिक्शन सेंटर, इसे नशा मुक्ति केंद्र कहते हैं, इसके तहत 900 लोग अपने घर जाकर अपना पारिवारिक सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं. ये उपलब्धि है मराठा लाइफ फाउंडेशन की. और जहाँ खुशियां हैं वहाँ गम की लकीर तो आनी वाजिब है. यहाँ पे 233 लोगों का देहांत हो चुका है अब तक. उम्र दराज थे, स्वाभाविक मौत अपनी मौत मरे, पर उनका अंतिम संस्कार भी शहर के हाथों से पूरी ही धार्मिक विधि के साथ. ये आज तक का लेखा जोखा इस मराठा लाइफ फाउंडेशन के नाम के इस पेड़ के तले जो भी शरणार्थी आया उसे मराठा लाइफ फाउंडेशन ने शरण दी है, कभी नकारा नहीं है. कि हमारे दरवाजे पे आप देखेंगे स्वागत सुस्वागतम है, उसके बाद में आप जब भी हमसे रूबरू होंगे आपका स्वागत हम करेंगे. इस आश्रम के दरवाजे नहीं, हमने अतिथियों का स्वागत हमारे दिल के दरवाजे खोलकर भी किया है. तो ऐसी कुछ बातें इस आश्रम से जुड़ी हैं हमारे बीते हुए कल से. मैं अभी बुलाना चाहूंगा हमारे सर जी, आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मेजर श्री किशन लोखंडे जी साहब, जोरदार तालियां इनके लिए इस मानव सेवा के प्रति. थैंक यू, बहुत बहुत आभारी. मेरे को नहीं बुलाना चाहता, मैं दीदी से बात करवाना था. मैं सुरेखा दीदी का बहुत बहुत आभारी हूँ. ये जितना बोल रहा है ये इसलिए बोल रहा है कि इसने कुछ कर्जा लिया था, वो कर्जा चुका रहा है. डॉक्टर ने दो दिन का टाइम लिया था, बोला दो दिन के बाद मरेगा, इसका हीमोग्लोबिन 3 हो गया था टांग कटने के लिए. तो बहुत सारा रात को हमने 2:30 बजे खून दे दिया और हमने अपनी परीक्षा ली पर हम उसमें पास हो गए और उसका नतीजा ये है. आश्रम को इतना घोल के पिया है, इसके हर वर्ड में आश्रम के बारे में इतनी स्टडी की तो भगवान ने हमारे लिए इनको जिंदा रखा है. और बहुत बहुत आभारी सुरवे जी, आप ऐसे हमारे दीदी लोगों का आदर सत्कार किया करो, क्योंकि यहाँ आने वाले उनका दिल बड़ा होता है. आपके पास क्या है कोई नहीं देखता है, पर आपके पास टाइम है और आपने आपका तो बेटे के लिए तो नहीं आए पर आपने पोते के लिए आते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत अच्छा लगता है. और पिछले 10 साल से दीदी जुड़े हुए, आप नामा जी तो लाइट आए हैं पर आप बहुत सालों से जुड़े हुए. आप अपना ग्रुप के टीम के साथ आते हैं, यह आश्रम आपका है, मैं यहाँ केयरटेकर हूँ और बाबू जैसे जैसा बढ़ता रहा 100 साल तक ये बर्थडे मनाते रहेगा. पर जब बड़ा हो जाएगा तो आमदार बन के आ जाना या कोई कलेक्टर बन के आ जाना, हमें वो अच्छा लगेगा. इतने बहुत सारे हम लोग ब्लेसिंग लेके बैठे हैं कि लेने वाले के लिए आप जैसे गिने चुने आते हैं, आप अगल बगल में बता दो कि बाबा यहाँ ऐसे अनाथ आश्रम है, वहाँ जाके एक दिन का खाना भी खिलाएंगे तो उनके चेहरे पर कुछ अलग सा देखने को मिलेगा और उनका प्लेस भी मिलेगा. हमने आज तक कहीं फोन नहीं किया, मेरे ख्याल से मानसी जी ने एक बार फोन किया था, दीदी बोले आपके ऑफिस से फोन आया था. मैं बोला आप बच्चे लोग है नहीं नहीं, हाँ ये देखो ये फोन करने वाले, ये अपनी नई बेटी. अभी 29 कन्यादान यहाँ पे हुए हैं और कुछ बेटियाँ जुड़ी साथ में, वो टीम है तो उनको बताते हैं. अभी बिल्डिंग का काम चल रहा है तो बिल्डिंग 12 करोड़ की बन रही, 8 करोड़ तक का कोई मदद कर रहा है.